आज इस वीडियो में हम अगेन कंप्यूटर शॉर्टकट की एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आज हम फोकस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर आप कहीं पर काम करते यानी कि जॉब करते हैं, तो इन शॉर्टकट की मदद से आप अपने काम में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस ए, इसका यूज़ किस लिए होता है? सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। पेज के सारे कंटेंट्स को कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका पेज 20 हो, 30 हो, उस केस में क्या होगा? सारे पेज का कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट। जितना भी टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा उसे बोल्ड बना देगा। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी शॉर्टकट की का यूज़ करने के लिए पहले हम सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस सी, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। जितना टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी, फॉन्ट ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल डी की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल प्लस ई, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू दी सेंटर। सेंटर में आपका जो भी टेक्स्ट होगा या कोई लाइन है वो अलाइन हो जाएगा, यानी कि बीचों बीच में। फिर आता है कंट्रोल प्लस एफ, इसका यूज़ होता है फाइंड के लिए। कंट्रोल प्लस जी, गो टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जैसे ही आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एच, इसका क्या यूज़ होता है? रिप्लेस ऑप्शन ऑन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच का यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। कंट्रोल प्लस आई, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक बनाने के लिए हम कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं। जितना टेक्स्ट आपका सिलेक्टेड होगा वो इटैलिक बन जाएगा। कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो क्या होता है, एक लाइन यहाँ जाके ख़त्म होती है, दूसरी लाइन यहाँ ख़त्म हो जाती है, तीसरी लाइन यहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो इन सभी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए यानी कि लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से वो बेटर लुक देने के लिए आप कंट्रोल जे जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल करते रहिए ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती रहे और समझ में आते रहे। कंट्रोल प्लस के, इंसर्ट हाइपरलिंक। यहाँ पे मैंने इंसर्ट लिंक लिखा है, होगा इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के का यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस एल, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू दी लेफ्ट। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जब आप कंप्यूटर ओपन करके कुछ भी टाइप करना शुरू करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से ही रहता है। तो अगर आपका जो टेक्स्ट है या लाइन है सेंटर में या राइट साइड में है तभी आपका ये यूज़ इफेक्ट करेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम, इंडेंट द पैराग्राफ। इसका क्या मीनिंग होता है? आप माइक्रोसॉफ्ट में कुछ भी लिखिएगा फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल एम प्रेस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका जो पहला पैराग्राफ होगा वो थोड़ा सा हट जाता है और एक साइड में आपके पास जगह बच जाती है। इसका ज़्यादातर यूज़ और इफ़ेक्ट आपको न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिलता है। कंट्रोल प्लस एन, ओपन न्यू और यू कैन से ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ओ, ओपन ऑप्शन, इसका यूज़ आप कंट्रोल प्लस F12 की मदद से भी कर सकते हैं। दोनों का ही शॉर्टकट की मदद से यही काम होता है। इससे क्या होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, जितने भी फाइलें सेव करके रखे रहेंगे कंट्रोल ओ की मदद से वो आपको दिखने लगती है वहाँ पे। कंट्रोल प्लस पी का यूज़ हम किस लिए करते हैं? प्रिंट विंडो, यानी कि प्रिंट के लिए यूज़ होता है। लेकिन देखिए, जब भी आप कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वो डायरेक्ट प्रिंट होने लगता, नहीं, आपके पास एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें आप सेटिंग करके कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू, अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ टू दी लेफ्ट। यानी कि जो आप फॉर्मेटिंग किए रहेंगे, आपका पैराग्राफ अगर राइट में है, सेंटर में है, तो उसे लेफ्ट साइड में कंट्रोल क्यू कर देता है। और दूसरा यूज़ इसका कर समझ सकते हैं, क्लियर पैराग्राफ इंडेंट, यानी कि जो आप एक्टिविटी कंट्रोल एम की मदद से किए रहते हैं उसे क्लियर कर देता है। कौन?
कंट्रोल क्यू, कंट्रोल प्लस आर, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू दी राइट, लेफ्ट में रहे या सेंटर में रहे तो राइट में पहुंचाएगा कौन, कंट्रोल आर। कंट्रोल प्लस एस का यूज़ होता है सेव के लिए, और इस काम को आप शिफ्ट प्लस F12 की मदद से भी कर सकते हैं। कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट, ये भी कंट्रोल एम की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या होता है, कंट्रोल टी एक लाइन को छोड़ के हमारा पैराग्राफ राइट की ओर ले जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस यू का होता है अंडरलाइन, जितने भी टेक्स्ट में या फिर कह लीजिए लाइन में आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल यू कर दीजिए। कंट्रोल प्लस भी, इसका यूज़ होता है पेस्ट के लिए, और इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी होता है। इन दोनों शॉर्टकट की मदद से सेम काम होगा। कंट्रोल प्लस डब्लू, क्लोज डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में आप काम करते रहेंगे वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, कट करता है। कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड, इसका यूज़ होता है रीडू के लिए, और इसका यूज़ होता है अंडू द लास्ट एक्शन। समझिए कैसे, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं और वो गलती से डिलीट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, पहले जो डिलीट हो गया वही ठीक था, तो कंट्रोल वाई प्रेस कर दीजिए, फिर से डिलीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल आप कर ही रहे होंगे, चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होगी। फिर देखिए कंट्रोल प्लस वन का क्या यूज़ होता है, सिंगल स्पेस लाइन, आप जो स्पेस लाइन ऊपर से लेते हैं शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टू से क्या होगा, डबल स्पेस लाइन आएगा। कंट्रोल प्लस फाइव से 1.5 का लाइन स्पेसिंग आपको दिखेगा। फिर आता है कंट्रोल प्लस, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेकिन ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से, इससे क्या होता है, इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट प्लस वन। अगर आपके फॉन्ट का साइज मान लीजिए 10 है और आप इस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं तो वो 11 होगा। फिर कंट्रोल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होगा, आपका साइज एक डिक्रीज हो जाएगा, 10 रहेगा तो 9 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट वन वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट साइड से एक वर्ड को डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये क्या करेगा, एक वर्ड को लेफ्ट साइड से डिलीट करेगा। कंट्रोल एंड की, मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपका कर्सर कहीं पे भी रहे, फर्स्ट में, सेकंड में, बीच में, लेफ्ट राइट, डॉक्यूमेंट के एकदम एंड में जाके कंट्रोल एंड की मदद से रुकेगा। फिर कंट्रोल होम किससे क्या होगा, वो सबसे बिगनिंग में यानी कि सबसे फर्स्ट में जाएगा। कंट्रोल लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो का क्या यूज़ होता है, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, वन वर्ड लेफ्ट की ओर मूव करेगा कंट्रोल लेफ्ट एरो की। फिर कंट्रोल राइट एरो की क्या करेगा, एक वर्ड राइट की ओर मूव करेगा। कंट्रोल अप एरो, मूव द बिगनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, पैराग्राफ के या फिर आप कह सकते हैं लाइन के फर्स्ट में मूव होगा। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के एंड में मूव होगा। तो ये सभी चीज़ें, सभी शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है फंक्शन की F1, ओपन हेल्प, F7 का यूज़ करते हैं स्पेल चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स को चेक करने के लिए, इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। फंक्शन की F12, सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है आपके सामने। कंट्रोल अल्ट 1, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1, आप देखिएगा होम टैब में आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये सभी जो दिखते रहते हैं, तो इन शॉर्टकट की मदद से आप कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल स्पेस, रीसेट हाइलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट, यानी कि जो आपका टेक्स्ट रहेगा उसमें जो भी आप सपोज़ आपने कलर किया है, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया है, तो सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो रहता है उसमें चेंज हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एफ, चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो चेंज करता है। कंट्रोल शिफ्ट एस, अप्लाई द स्टाइल और रिकॉर्ड द स्टाइल, यानी कि स्टाइल को अप्लाई करता है। कंट्रोल शिफ्ट पी,
चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो आप टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखेंगे उसके साइज को चेंज करेगा, यानी कि बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वो डायलॉग बॉक्स आता है वहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अल्ट शिफ्ट डी, इंसर्ट द करेंट डेट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं करेंट डेट और करेंट टाइम इंसर्ट करने के लिए इन शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये हमने वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, अब डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट की MCQs। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, Ctrl+M, Ctrl+M का यूज़ किस लिए करते हैं? यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट। आंसर क्या होगा? ए, लेफ्ट इंडेंट। शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इज, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+P। Ctrl+W इज यूज फॉर, Ctrl+W किस लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे दिए गए हैं A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा सभी को रीड करके बताइए। बी, क्लोज द करेंट विंडो टू डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर प्रेस, एक करेक्टर को कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? स्पेस, एंटर, डिलीट, बैक स्पेस। राइट आंसर होगा डी, बैक स्पेस। देखिए, जिसको लेफ्ट और राइट में दिक्कत होता है कब लेफ्ट को यूज़ होता है कब राइट यूज़ करते हैं, अगर एग्ज़ाम में पूछता है कन्फ्यूज़न होता है तो आज क्लियर कर लीजिए। लेफ्ट का मतलब समझिए बिफोर, यानी कि के पहले, ए और बी के बीच में अगर आप कर्सर को रखते हैं तो कर्सर के पहले क्या है? ए, ए यानी कि लेफ्ट। तो लेफ्ट को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैक स्पेस। कर्सर के बाद यानी कि आफ्टर राइट साइड कौन है? बी, बी किससे डिलीट होगा? डिलीट की से। क्लियर हो गया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट, अब आपको एक वर्ड को लेफ्ट साइड से डिलीट करना है तब कौन सी शॉर्टकट की होगी? तो यहाँ पे दिया गया है कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल अल्ट। आंसर होगा Ctrl+Backspace की मदद से एक वर्ड आप लेफ्ट साइड से डिलीट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट और अनसिलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ्ट, आपको एक करेक्टर लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करना है और अगर सिलेक्ट है तो अनसिलेक्ट करना है, तो आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? सी, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। टू सिलेक्ट और अनसिलेक्ट वन वर्ड टू द लेफ्ट, अब आपको एक वर्ड लेफ्ट साइड से सिलेक्ट अनसिलेक्ट करना है, तो इस केस में आंसर होगा डी, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। याद रखिएगा क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। पिच की हेल्प्स टू मूव कर्सर एंडिंग ऑफ द लाइन, अगर आपका कर्सर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, लाइन के एंड में यानी कि लास्ट में ले जाना है तो कौन सी की आप प्रेस करेंगे? एंड की। टू मूव द कर्सर टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस, डॉक्यूमेंट के एंड में आप कर्सर को ले जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? सपोज आपका डॉक्यूमेंट 10 पेज का है या 20 पेज का है, तो आंसर होगा Ctrl+End की। प्रैक्टिकल करते रहिए। Ctrl+Down arrow इज यूज टू, कंट्रोल के साथ में अगर डाउन एरो को प्रेस करते हैं तो इनमें से कौन सा एक्टिविटी होता है? करेक्ट आंसर होगा बी, मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+B इन MS Word? एमएस वर्ड में Ctrl+B का क्या काम है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, बोल्ड, नहीं, बी सही होगा, इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। तो जिसने भी ए पे टिक किया होगा गलत हो गया होगा। जब भी आप किसी भी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, तो अगर ये ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में नहीं देता है
तब आप इस पे टिक कर सकते हैं बिना सोचे, लेकिन दिया गया है तो आप रीड करेंगे, सोचेंगे तब भी टिक लगाएंगे। वाइल वर्किंग ऑन एमएस वर्ड पिच अमंग द फॉलोइंग इज कमांड फॉर अंडू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते समय इनमें से कौन सा कमांड अंडू के लिए यूज होता है? सही आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस जेड। विच इज द शॉर्टकट ऑफ रिप्लेस इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में रिप्लेस का क्या शॉर्टकट की होता है? आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस आर, नहीं, कंट्रोल प्लस एच। आर से रिप्लेस स्टार्ट होता है लेकिन शॉर्टकट की एच होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कंट्रोल प्लस वाई इज द शॉर्टकट की फॉर। देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, शॉर्टकट की दिया गया है और बोल रहा है कि इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी और डी। आंसर क्या होगा? सी, रीडू द लास्ट एक्शन। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, या फिर बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर होगा डी, बोथ, यानी कि कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट एफ, दोनों की मदद से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। जिसने भी कंट्रोल एफ सोचा रहा होगा, गलत है, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है। पिच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे फंक्शन की दिया गया है, किस फंक्शन की मदद से आप सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं? आंसर होगा डी, F12। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। अगर आप लाइन को मैनुअली ब्रेक करना चाहते हैं तो इसकी भी शॉर्टकट की होती है, और इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा सी, शिफ्ट प्लस एंटर। पिच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एक्सेस द फाइल मेनू ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम। करेंट प्रोग्राम में फाइल मेनू ऑप्शन तक पहुंचने के लिए, या फिर कह सकते हो उसे एक्सेस करने के लिए, कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? आप माउस का यूज किए बगैर भी कर सकते हैं, और आंसर होगा बी, अल्ट प्लस एफ, यानी कि आप अल्ट प्रेस कर दीजिए फिर एफ, और साथ में भी करेंगे तो हो जाएगा। पिच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द फुल पेज और प्रिंट प्रीव्यू। फुल पेज आपको डिस्प्ले करना है या फिर प्रिंट प्रीव्यू, शॉर्टकट की कौन सी होगी? करेक्ट आंसर होगा डी, कंट्रोल F2। व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल की अफेक्ट। अगर आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस F12 एमएस वर्ड में प्रेस करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? राइट आंसर होगा ए, सब स्क्रिप्ट। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड। आपका जो भी कैरेक्टर सिलेक्टेड रहेगा उसे सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए इनमें से किसकी मदद से मतलब कर सकते हैं? तो आंसर होगा डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। देखिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और ये इक्वल की को प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड में देखिएगा प्लस का की दो होता है लेकिन एक नंबर के साइड में दिया रहता है, तो अगर आप नंबर के साइड के प्लस की को प्रेस करेंगे तो शायद आपका टेक्स्ट, आपका करेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड नहीं होगा। तो ये इक्वल के साथ में जो प्लस भी दिया गया है इसे प्रेस करके देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, पिच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच फ्रॉम वन वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2-3 फाइल खोल के रखा है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जंप करना चाहते हैं तो इसकी भी शॉर्टकट की होती है, बार बार आपको माउस छूने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है ये बताइए? बी, कंट्रोल शिफ्ट F6 करके देखिए। हाउ कैन यू इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट के साइज को इंक्रीज आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है बाय प्रेसिंग कंट्रोल, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी, आप कंट्रोल के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसे कहते हैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसे कहते हैं क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये इंक्रीज करने का हुआ, अगर डिक्रीज करना हो तो आप ये वाला
प्रेस कर दीजिएगा। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रीव्यू द पेज बिफोर प्रिंटिंग। पेज को अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं कि प्रिंट होने के बाद आपका पेज कैसा दिखेगा, तो आप इसे प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा ए, कंट्रोल F2। तो जैसा आपका पेज प्रिंट प्रीव्यू में दिखता है, प्रिंट होने के बाद एज इट इज़ वैसा ही दिखेगा। इसीलिए प्रिंट प्रीव्यू हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी चीज़ें सही जगह पे है कि नहीं, क्योंकि प्रिंट होने के बाद पेपर वेस्ट होता है। हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम? करेंट कॉलम को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो आंसर होगा डी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेंज द टेक्स्ट केस? टेक्स्ट केस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर आपने लोअर केस में लिखा है, यानी कि स्मॉल में लिखा है, उसे अपर केस यानी कि कैपिटल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शॉर्टकट की फॉर ओपन कॉलम्स डायलॉग बॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो राइट आंसर होगा डी, Alt+O+C। यानी कि आप पहले कीबोर्ड में अल्ट प्रेस करेंगे, फिर ओ प्रेस करेंगे, देन आपको सी प्रेस करना है, तो आपके सामने कॉलम्स डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ बुलेट्स पॉइंट्स क्विकली? आप कुछ भी लिख रहे हैं, बुलेट्स पॉइंट लाना चाहते हैं। बुलेट्स पॉइंट हम किस लिए लगाते हैं? ताकि हमारा जो भी डेटा रहता है, जो भी हम टाइप करते हैं, वो बेटर लुक दे, अच्छा दिखे। तो बुलेट्स पॉइंट के लिए आप माउस का यूज़ करते हैं। तो क्विकली यानी कि जल्दी से आप इंसर्ट कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। और इसका राइट आंसर होगा बी, कंट्रोल शिफ्ट L। जिसने भी बी सोचा होगा वो गलत है। बुलेट्स होता है लेकिन शॉर्टकट की L है। तो आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन MS Word? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करने का शॉर्टकट की कौन सा है? सही आंसर होगा सी, Alt+C, Alt+Ctrl+C। प्रेस करके देखिए, आपके सामने कॉपीराइट का सिंबल आएगा। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है? आंसर क्या होगा? Ctrl+M। Alt+Y इज यूज फॉर? Alt+Y का यूज़ हम किस लिए करते हैं? गो टू द होम टैब, हेल्प टैब, व्यू टैब, एड इंस टैब। आंसर होगा बी, गो टू द हेल्प टैब। टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग प्रेस। आपको क्या करना है? लाइन स्पेस को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? यहाँ पे दिया गया है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा डी, ये सभी। टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपने कर्सर को पेज टू पेज ले जाना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो इसकी शॉर्टकट की होती है बोथ A और B, यानी कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन की मदद से आप इस काम को कर सकते हैं। यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय। आप नेक्स्ट कॉलम में कैसे जंप कर सकते हैं? तो आंसर होगा सी, प्रेस Alt+Down arrow। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स? ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं लाने के लिए, शॉर्टकट की क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? आंसर होगा डी, Ctrl+O। तो हमने 35 MCQ क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब आपका होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज मॉक टेस्ट। तो 20 क्वेश्चन को अगेन डिस्कस करेंगे और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन यू इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज। आप सिलेक्टेड फॉन्ट साइज को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि घटा सकते हैं? यहाँ पे दिया गया है A, B, C और D। आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। ए, बाय प्रेसिंग Ctrl+Open square brackets की मदद से आप सिलेक्टेड फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर पाएंगे।
व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर कंट्रोल क्यू, या फिर आप यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल क्यू का यूज़ क्या होता है, तो पढ़ के बताइए। आंसर होगा रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जो आप काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल टी और कंट्रोल एम की मदद से करते हैं उसी को क्लियर करने के लिए हम कंट्रोल क्यू का यूज़ करते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन गो टू विंडो, गो टू विंडो और कह सकते हैं गो टू डायलॉग बॉक्स, ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जी। क्वेश्चन नंबर 4, विच शॉर्टकट की हेल्प्स टू मूव बिगनिंग ऑफ द लाइन, लाइन के बिगनिंग में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है और कौन सी की है, आप कह सकते हैं आपका कर्जर यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे भी हो और यहाँ आपको आना है, तो आंसर होगा बी होम की। टू मूव द कर्जर टू बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस, कर्जर को डॉक्यूमेंट्स के बिगनिंग में ले जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की है, आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम। विच इज यूज टू डिलीट वन करेक्टर टू द राइट, वन करेक्टर को राइट साइड से डिलीट करने की कौन सी शॉर्टकट की है, हमने आपको एमसीक्यू में लेफ्ट का बताया है तो आप अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो राइट वाला बता पाएंगे। डिलीट, टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट, अब आपको एक वर्ड डिलीट करना है राइट साइड से, शॉर्टकट की कौन सी है, आंसर होगा कंट्रोल प्लस डिलीट, यानी कंट्रोल के साथ में आपको डिलीट की प्रेस करना है। टू सिलेक्ट और अनसिलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट, एक करेक्टर को राइट साइड से सिलेक्ट कीजिए या सिलेक्ट है तो अनसिलेक्ट कीजिए और शॉर्टकट की बताइए कौन सा है, शिफ्ट प्लस राइट एरो। टू सिलेक्ट और अनसिलेक्ट वन वर्ड टू द राइट, अब एक वर्ड करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस अप एरो इज यूज टू, इसका राइट आंसर होगा बी, मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ अप, प्रेस डैश टू सिलेक्ट फाइल मेनू, देन फ्रॉम पुल डाउन मेनू सिलेक्ट न्यू ऑप्शन बाय प्रेसिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड है और इंटरव्यू में इसी तरीके से पूछा जाता है, फाइल मेनू को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, देन आपके पास आएगा पुल डाउन मेनू और वहां से आपको न्यू ऑप्शन को चूज करना है, तो ये काम को आप कर सकते हैं अल्ट एफ जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास आएगा फाइल मेनू, वहां पे आपको दिखेगा न्यू तो आप प्रेस कीजिएगा एन। कंट्रोल प्लस जे इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल जे का यूज होता है जस्टिफाई के लिए। कंट्रोल प्लस एन इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन, न्यू पेज, न्यू पैराग्राफ, न्यू डॉक्यूमेंट, आंसर क्या होगा डी, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन। कंट्रोल प्लस भी कैन बी यूज टू, कंट्रोल भी का यूज हम किस लिए कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पेस्ट एनीथिंग विच इज कट, यानी कि कुछ भी अगर जो भी कट है आप उसे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल भी की मदद से। दूसरा पेस्ट एनीथिंग विच इज कॉपीड, कोई भी चीज़ अगर आपने कॉपी करके रखा है तो उसे भी पेस्ट कर सकते हैं। सी कहता है बोथ ऑफ दी अबव आर करेक्ट, डी नन ऑफ दी अबव आर करेक्ट, अब बताइए आंसर क्या होगा सी, दोनों सही है। कंट्रोल प्लस एक्स कैन बी यूज टू, कंट्रोल एक्स का यूज किस लिए करते हैं, इनमें से कौन सा सही आंसर है बी, कट एनीथिंग विच इज सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड है आप उसी को कट कर सकते हैं। टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग प्रेस, लाइन स्पेस को इंक्रीज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, करेक्ट आंसर होगा डी कंट्रोल फाइव। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की दी गई है, सही आंसर होगा ए F7। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी इज यूज टू, कंट्रोल पी का यूज हम किस लिए करते हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा बी ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स।
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स? ओपन डायलॉग बॉक्स को लाने का शॉर्टकट की क्या होता है? हमने आपको बताया है एमसीक्यू में कंट्रोल प्लस ओ, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इस केस में आंसर होगा डी कंट्रोल प्लस F12। दोनों शॉर्टकट की से आप एक ही काम को करते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट की कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा, हमने आपको बताया है कंट्रोल डी होता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल डी नहीं दिया गया है और आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस F। तो आज के लिए बस इतना ही, 20 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको ऑनेस्टली बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।